पैनलिस्ट पांच थे, उसमें से तीन मैम थे, दो सर थे। एंड वही रहता है कि डिफरेंट डोमेन्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मेरे से आई एम फ्रॉम जे एंड के, तो जे एंड के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। देन दूसरे नंबर पे मेरे से थोड़े जुडिशरी के, ज़्यादा तो फील नहीं हुई एक्चुअली, हम दोनों फ्रेंड्स एंड हम दोनों साथ में थे तो थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट ही रहा हमारे बीच में और ऐसा हमें फील नहीं हुई एनजाइटी। शुरुआत में तो यही पूछा जाता है आप क्या कर रहे थे, कितना क्या आपने किया है अभी तक, एंड वहाँ से फिर डोमेन्स पिक होती हैं। जैसे मेरे से पूछा गया कि क्या चेंजेस आपको लगते हैं ये वो, वहाँ पॉलिटिकल साइंस है ऑप्शनल, तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर था। स्टार्ट उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन से किया कि रशिया यूक्रेन था वो पूछा उन्होंने, उसके बाद क्लाइमेट चेंज का पूछा। कॉन्स्टेंट पे थोड़ा फोकस करा मैंने टू इम्प्रूव माय प्रीलिम्स, मतलब रादर देन जस्ट गोइंग फॉर करंट अफेयर्स, कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री पॉलिटी, उसके बेसिक बुक्स, बेसिक एनसीईआरटीज या बेसिक कंसेप्ट्स को समझा जाए ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहता है। इसी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, आप चाहे जितने मर्जी मॉक दे दो, चाहे मेंस के आप टेस्ट सीरीज कर लो, पर जो यूपीएससी पूछती है उसका आइडिया पता लग जाता है कि इस डोमेन से पूछ रही है इसलिए पूछ रही है, और उसी लाइंस पे आते हैं क्वेश्चन। रियल इंटरव्यू में ये तो है कि कंपोजर एंड वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत थोड़ा अलग है उनसे, अच्छे तरीके से होता है। सिलेबस देखो कि कर सकते हो या नहीं, हिम्मत का काम है, स्टार्ट करना हिम्मत का काम है, एक बार ठान लो कि करना है, बस शुरू हो जाओ, ठानने की बात है, एक बार सिलेबस देखो और शुरू हो जाओ, बस अच्छे से प्रैक्टिस करो प्रीलिम्स के लिए। जितने ज़्यादा मॉक दोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा। बेसिक सब्जेक्ट्स करो, मतलब कि एंड में तो बेसिक्स जो हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जो आपको आता है और आप गलत करके आए हो उस पर वर्क करना कि वो नहीं हो, और कुछ एरियाज आपको देखने पड़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि जिन पे ही डोमेन के अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड उनको करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपना बनाओ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ। नमस्कार दोस्तों, अभी हमें यूपीएससी भवन जैसे दोनों सर अभी इंटरव्यू देके बाहर है, इनसे जानते हैं कि आखिर इनका किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, कैसा इंटरव्यू गया। हेलो सर, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल के बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम रजत संब्याल, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, चंडीगढ़ से। इंटरव्यू से रिलेटेड ये है कि पैनलिस्ट पाँच थे, उसमें से तीन मैम थे, दो सर थे, एंड वही रहता है कि डिफरेंट डोमेन्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मेरे से आई एम फ्रॉम जे एंड के, तो जे एंड के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। देन दूसरे नंबर पे मेरे से थोड़े जुडिशरी के क्वेश्चन पूछे गए थे, जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड। एंड तीसरी मेन डोमेन रही मेरा सिविल इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड उस पर टाइम पर वो क्वेश्चन डिफरेंट पूछते रहे। ओके सर, आपका नाम और एजुकेशन। मेरा नाम अभिनंदन गुप्ता, एजुकेशन मैंने वही बीटेक करा है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, पेक्स चंडीगढ़ से। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अभी अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है जो कि 19 मई तक वैलिड है, जिसमें 20% का डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। साथ ही साथ अनएकेडमी लेके आया है अनएकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जो एकदम लाइव टेस्ट होगा, जिसमें आपको 60 मिनट के अंदर 56 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप टॉप 3 रैंक में आते हैं तो आपको मैकबुक एयर, आईपैड और सैमसंग मोबाइल मिलता है। साथ ही साथ 500 लकी पार्टिसिपेट में आप आते हैं तो आपको गिफ्ट कार्ड मिलते हैं जिसकी वर्थ 10,000 तक ही है। 22 मई को सुबह 11 बजे होने जा रहा है। अनलॉक करने के लिए आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। जल्दी से सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और लिंक पर क्लिक करते ही अनलॉक करने के लिए आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूले। जल्दी से जाओ और अपनी तैयारी को शानदार और बेहतरीन बनाओ। धन्यवाद सर। बात करते हैं, जब आपने इंटरव्यू हॉल में प्रेस किया सर, थोड़ा बहुत डरावना या थोड़ी झिझकाहट हुई थी होगी आपको? ज़्यादा तो फील नहीं हुई एक्चुअली, हम दोनों फ्रेंड्स एंड हम दोनों साथ में थे तो थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट ही रहा हमारे बीच में और ऐसा हमें फील नहीं हुई एनजाइटी, दो होनी हो सकती थी बट नहीं हुआ ऐसा। जी जी सर, आपको थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस रहती है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी रहती है, ये तो है ही, पर वही है, वहाँ पे काम और कंपोज रहना है तो ठीक जाती है इंटरव्यू, उसके बाद ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, ओवरऑल बात करें कितने मिनट चला आपका इंटरव्यू सर? अराउंड 25 मिनट्स के अराउंड चला होगा। अच्छा, उसमें सर शुरुआती क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए सर आपसे? शुरुआत में तो यही पूछा जाता है आप क्या कर रहे थे, कितना क्या आपने किया है अभी तक, एंड वहाँ से फिर डोमेन्स पिक होती हैं। जैसे मेरे से पूछा गया कि क्या चेंजेस आपको लगते हैं ये वो, वहाँ से फिर आर्टिकल 370 एंड रिलेटेड क्वेश्चंस पिक होते हैं, एंड वो तो चेंज होता भी रहता है, मतलब कि अब्रप्ट क्वेश्चंस भी आएंगे बीच में, ऐसा नहीं है कि आपके डोमेन से क्वेश्चन आएंगे, तो वो
देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं तो उनको चेक करने के लिए। ओके सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, उससे रिलेटेड क्या क्या पूछा गया सर? मेरा पॉलिटिकल साइंस है ऑप्शनल, तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर था। स्टार्ट उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन से किया कि रशिया यूक्रेन था वो पूछा उन्होंने, उसके बाद क्लाइमेट चेंज का पूछा, उसके बाद एक मेंबर थे उन्होंने फेडरलिज्म के बारे में पूछा, जीएसटी आ गया उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो काफ़ी मेरा इंटरव्यू ऑप्शनल के ऊपर था। सर जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स या टॉपर बताते हैं कि आज की जैसे आज आपका इंटरव्यू तो आज के न्यूज़पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सर आपके आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए आपसे? मेरे से सच तो नहीं पूछे गए, बट हाँ उस दिन के न्यूज़पेपर उस दिन की हेडलाइन से भी क्वेश्चन पिक होते हैं ज़रूर, और वो कंसिडर तो करना ही पड़ता है, तो इट वेरीज कि हाँ किसी से पूछे जाते हैं किसी से नहीं पूछे जाते हैं। ओके सर, बात करते हैं कि यूपीएससी के लिए कितना कोचिंग मायने रखता है सर, जैसा कि आपने इतना इंटरव्यू तक सफ़र किया है, तो सर इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कोचिंग स्टार्टिंग में हेल्प करता है, गाइडेंस मिल जाती है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद तो आप 6-7 महीने कोचिंग के बाद तो सेल्फ स्टडी है, वही इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी बुक्स पढ़ रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने आंसर लिख रहे हो, वही इंपॉर्टेंट है। कोचिंग शुरू में हेल्प करती है, उसके बाद तो आपको गाइडेंस या तो सीनियर से मिल जाए या कोई आपका दोस्त है जो सिलेक्ट हुआ हो वो दे दे, वो ज़्यादा मैटर करता है कोचिंग से ज़्यादा। सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है, आखिर क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं वो, या फिर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सर उनको? यार किस कोई क्या गलतियाँ कर रहा है ये तो मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा कभी भी, बट हाँ सजेशंस भी ऐसा चाहिए हैं कि मैं कॉन्स्टेंट पर थोड़ा फोकस करा मैंने टू इम्प्रूव माई प्रीलिम्स, मतलब रादर देन जस्ट गोइंग फॉर करंट अफेयर्स, कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री पॉलिटी उसके बेसिक बुक्स बेसिक एन सी आर टीज या बेसिक कंसेप्ट को समझा जाए ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहता है। सही बात है सर, जैसे कि टॉपर बताते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व हमेशा करना चाहिए वो, और इसके बारे में सर उनको एनालिसिस किस प्रकार करें सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, आप चाहे जितने मर्जी मॉक दे दो चाहे मेन्स के आप टेस्ट सीरीज कर लो, पर जो यूपीएससी पूछती है उसका आइडिया पता लग जाता है कि इस डोमेन से पूछ रही है इसलिए पूछ रही है, और उसी लाइंस पे आते हैं क्वेश्चंस, तो मेंस के लिए तो स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रीलिम्स के भी रिसेंटली कई बार अभी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए प्रीवियस ईयर, ठीक ही रहता है, अच्छी बात ये करना। सर जैसा कि आपने मॉक इंटरव्यू भी दिए होंगे, तो सर मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में सर कितना डिफरेंट लगा आपको? रियल इंटरव्यू में ये तो है कि कंपोजर एंड वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत थोड़ा अलग है उनसे, अच्छे तरीके से होता है, बट हाँ मॉक से भी आपको कहीं ना कहीं पता लग जाता है, कुछ मॉक अच्छे हैं उनसे आपको ऑन द सिमिलर लाइंस भी हैं कुछ मॉक्स, तो उससे हेल्प तो हो जाती है, और आप जो आपके वीकनेसेस हैं वो आपको बताई जाती हैं थोड़ी सी, एंड आप उनको वर्क तो करते हो तो दे श्योरली हेल्प्स, एंड मुझे तो हेल्प किया। सर आपने कौन कौन सी कोचिंग में मॉक इंटरव्यू दिया सर? आई वुड से कि मुझे संकल्प एंड केएससी अच्छा लगा था सबसे अच्छा, मुझे ये दो का एनवायरनमेंट एंड उनका रिव्यूज़ और ऑन द लाइंस मुझे फील हुआ यहाँ पे था। सर जैसे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्टिंग में शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है, किसी भी काम को जब शुरुआत करते बहुत मुश्किल होता है, तो सर यूपीएससी की शुरुआत कैसे करें सर इसकी प्रिपरेशन में? पहले तो आप देखो सिलेबस देखो कि कर सकते हो या नहीं, हिम्मत का काम है स्टार्ट करना, हिम्मत का काम है, एक बार ठान लो कि करना है बस शुरू हो जाओ, ठानने की बात है, एक बार सिलेबस देखो और शुरू हो जाओ बस। सर जैसे कि यूपीएससी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जिस जितने घंटे महीने वाइज सिलेबस बना रहे हो या इसका प्रॉपर टाइम टेबल सर, तो उसमें कैसे मैनेज करें? उसमें यही है कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, उसका तो कोई काउंटर नहीं है, तो आपको डे इन डे आउट करना पड़ता, बट ऐसा ये भी नहीं है कि 14-14 घंटे बैठना पड़ता, वो सब तो ऐसी बातें चल रही हैं, आप एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल आप यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर आप उसको कंटिन्यू करो फॉर द डे लॉन्ग, और उसके अलावा अपना चिल भी करना चाहिए, गो फॉर वॉक, ये वो रनिंग करनी है वो करो, थोड़ा अपना कोई हॉबी है पैशन है उसको फॉलो करो, बट हाँ पूरा अपने आप को कमिट तो करना ही पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। सर जैसा कि अभी 25 तक इंटरव्यू चलेंगे सर, बहुत सारे एस्पिरेंट इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं, इस बार जो भी, उनको आप क्या क्या बताना चाहिए कि किस किस पोर्शन को मजबूत करके आए यहाँ? पोर्शन नॉलेज का तो है नहीं टेस्ट अभी तो आप पेशेंस का टेस्ट है, कामनेस का टेस्ट है, आप वो दिखाएं जो बैक पैनल मेंबर पूछ रहा है कुछ, सिर्फ उसी का जवाब दें, ज़्यादा घुमाएं फिराएं ना, और कॉन्फिडेंट रह के आंसर दें, और जो चल रहा है आजकल न्यूज़पेपर डेली पढ़ें और अपना ओपिनियन बना लें हर चीज़ पर कि क्या सोचते हो आप इस बारे में, वही ज़रूरी है। सर आपको एक दो क्वेश्चन याद आ रहे हैं आज की जिससे आपको पूछा गया, सर आपने उनको कैसा आंसर दिया?
क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल मेरे को डिलिमिटेशन रिपोर्ट से रिलेटेड पूछा गया था, उसके प्रोज एंड कॉन्स, तो उसके फीचर्स जो आपको अच्छे लगते हैं आप प्रो में बोलेंगे, जो आपको लगता है कि डिबेटेबल है या आपको नहीं है तो वो कॉन्स में बोलेंगे, मैंने बोले। एंड उसके अलावा मुझे पूछा गया कि जुडिशियल एक्टिविज़म क्या होता है, वो कहाँ आपको जुडिशियल एक्टिविज़म दिख रहा है कंट्री में, कहाँ पे उसका सपोर्ट रहा है, क्रिकेट में कैसा रहा है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे गए। उनको सर आपने आंसर कैसे दिया? सर आंसर वही है, अब आपको जो उसका फीचर्स लगते हैं, जैसे डिलिमिटेशन से रिलेटेड था तो उसमें जैसे रिप्रेजेंटेशन मिली है कुछ एरियाज़ में कुछ लोगों को, वो सब चीज़ों के जो फीचर्स थे, आई वॉन्ट गो इन टू द डिटेल्स, आई वॉन्ट मतलब कि इनको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बट वही डोमेन्स रही हैं। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। जैसे कि 5 जून को होप्स हो सर आप दोनों का सिलेक्शन हो और अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो, लेकिन सर 5 जून को भी प्रीलिम्स होने वाला है, उसके रिगार्डिंग सर आप न्यू एस्पिरेंट को क्या बताना चाहेंगे? सर पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो प्रीलिम्स के लिए, जितने ज़्यादा मॉक दोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा, और पेपर में अपनी कॉमन सेंस शो करो, अच्छा जाएगा पेपर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? यही है, बेसिक सब्जेक्ट्स करो, मतलब कि एंड में तो बेसिक्स जो हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जो आपको आता है और आप गलत करके आए हो उस पर वर्क करना कि वो नहीं हो, और कुछ एरियाज आपको देखने पड़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि जिन पे ही डोमेन के अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड उनको करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपना बनाओ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, और उस तरीके से वर्क करो। ओके सबको ऑल द बेस्ट उनको। ओके सर, आपको भी हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सर आपका अंतिम रूप से चयन हो। धन्यवाद सर।